गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जगदीश अधिकारी, आई मैथ्स फैकल्टी विद्या मंदिर क्लासेस एचएएल कोरबा। आज हमारा टॉपिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट होने वाला है। एज वी नो डेट कि आज हमारी कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर फर्स्ट है, तो हम आज क्या करेंगे, आज हम समझेंगे सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल में एक रिलेशन क्या होता है, वो कैसे ऐड या मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन बुक की एक्सरसाइज 6.1, 6.2 एंड 6.3 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस बताता हूं, ठीक है, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को तो ये नहीं पता होता एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं दोनों चीजों में, तो पहले हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज इक्वेशन। सबसे पहले 3x + 4abc कुछ भी, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। बात करते हैं इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन है और ये हमारी भी एक इक्वेशन है, पर अभी इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे ये किस किस टाइप की इक्वेशन है। फिलहाल तो आप ये समझो कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन के डिफरेंस क्या है। एक्सप्रेशन वो होते हैं जिनमें इक्वल्स टू नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि रोहन के पास 5 रुपए है, तो रोहन के पास 5 रुपए है। मैंने बोला रोहन राकेश के पास 4a रुपए है और रोहित के पास 3x रुपए है, ठीक है। तो उन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 3x + 4a, ठीक। तो ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है, 4a एक्सप्रेशन है, 4x² + 9 भी एक्सप्रेशन है। ये सारे एक्सप्रेशन है क्योंकि इनमें इक्वल टू का साइन नहीं है। जैसे ही किसी भी एक्सप्रेशन में अगर मैं इक्वल टू का साइन लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन। अभी ये भी एक इक्वेशन है, कैसे है, ये एक जीरो वेरिएबल इक्वेशन है। अगर मैं यहां पे 6x⁻⁰ लिख दूं तो ये क्या बन जाएगी, एक जीरो वेरिएबल इक्वेशन, क्योंकि यहां पे जो पावर है जीरो वो इस x को क्या बना देगी, 1। तो 6 बन जाए 6। ये पॉसिबल तो नहीं है कि 9 + 6 = 0 हो जाए, पर फिर भी ये इक्वेशन में काउंट होगी, है ना। बात है केवल यहां पे इक्वेशन की और एक्सप्रेशन की। हम यहां पे इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि 9 + 6 = 0 हो जाएगा, ठीक है, 9 + 6 = 0 नहीं हो सकता, बस केवल एक एक्सप्रेशन और इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में ये फर्क है कि एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू का साइन नहीं होता जबकि इक्वेशन में इक्वल्स टू का साइन होता है, ठीक। अब बात करते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। एलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, उससे पहले एक चीज और डिस्कस करते हैं, इसको भी करेंगे पहले, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, ये दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल वो जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती या फिर नॉट डिफाइंड,
नॉट डेफिनेट भी कह सकते हैं, जिनकी वैल्यू निश्चित नहीं होती या फिक्स नहीं होती, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। एग्जाम्पल ए बी सी डी ई है और जितने भी अल्फाबेट हैं ये सारे हमारे वेरिएबल है क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। आपने देखा किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आ रही है तो किसी में x की वैल्यू 4 आ रही है, किसी में 18 आ रही है, तो x की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं हो सकती, तो वो हमारा वेरिएबल है। व्हाइल कॉन्स्टेंट आर दोज वैल्यूज विच आर फिक्स एंड डेफिनेट, मतलब जो फिक्स है और डेफिनेट है, निश्चित है, जैसे 1, 2, 3, 4 और डैश डैश सारे नंबर्स। क्यों है ये? क्योंकि अगर मैंने आपको बोला कि 10 में 2 ऐड करो तो आप बोलोगे 10 + 2 = 12, क्योंकि 2 को आपको पता है 10 में 2 ऐड करते ही 12 आता है और ये कभी चेंज नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि 10 और 2 एक डेफिनेट वैल्यूज हैं जो कि फिक्स्ड है, जो कि चेंज नहीं हो सकती, तो इसलिए ये क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, 3 अगर मैं बोलूंगा 3 ऐड करो तो आप 3 ही ऐड करोगे, उसकी जगह पे 4 नहीं लिखोगे क्योंकि 3 की वैल्यू फिक्स है, 3 की वैल्यू कभी भी 4 नहीं हो सकती। ठीक, नेक्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एन एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट आर रिलेट टू ईच अदर विद वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, एन एक्सप्रेशन बुक में से लिख लेना आप डेफिनेशन, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। एन एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट आर रिलेट विद ईच अदर, आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? हमारे पास अभी तक 4 ही मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो हम किसी भी नंबर के बीच में या तो डिवाइड या प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे एलजेब्रिक इक्वेशन की बात हो रही है, तो वो इक्वेशन जिसमें कॉन्स्टेंट और वेरिएबल एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े हों, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे इन दोनों के बीच में कोई नहीं है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, जुड़े हों, रिलेट हो रहे हैं एक दूसरे से, तो वो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। जैसे 3x², तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, 4x + 5b, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, फिर प्लस और फिर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। तो हमारे सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जब कॉन्स्टेंट और वेरिएबल के बीच में अप्लाई हो और वो दोनों एक दूसरे से रिलेट हो जाए, जुड़ जाए, तो वही हमारी क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन आप बुक में से लिख लेना। ठीक, नेक्स्ट, हाँ हम समझते हैं इसके बाद बाइनोमियल। बाइनोमियल ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक, तो मोनोमियल क्या है? जिसमें केवल सिंगल टर्म होती है, वन टर्म, जिसमें केवल एक एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म हो, एक ही टर्म हो, वो मोनोमियल। ठीक है, एन एक्सप्रेशन लिख देता हूं, एन एक्सप्रेशन शॉर्ट में लिख दिया, विच हैज ओनली वन टर्म। ठीक है, जिसमें टू टर्म होती है वो हमारा मोनोमियल है, और जिसमें थ्री टर्म होगी हमारा ट्राइनोमियल है, और ये सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये सारे हमारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं। मोनोमियल भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और इसके बाद 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म जितने भी टर्म वाले होते हैं सारे के सारे पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मोनोमियल के एग्जांपल्स। तो मोनोमियल के एग्जांपल जैसे 3x। ठीक, पता कैसे चलता है कि कितनी टर्म है कितनी टर्म नहीं है? आपको बस केवल दो साइन नोटिस करना है, एक तो प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, अगर इसके साथ प्लस या माइनस में एक टर्म और लिखी है तो ये हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। जैसे अगर मैं यहाँ पे
प्लस का 2 लिख दूं तो ये हमारा किसमें हो जाएगा, बाइनोमियल में, पर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये हमारा मोनोमियल है। अगर मैं 0 लिख दूं तो भी मोनोमियल है, और अगर हम इसके आगे माइनस का साइन लगा दें तो भी मोनोमियल है। ठीक है, जब तक इसके साथ कोई दूसरी टर्म नहीं लिखी जाती तब तक ये मोनोमियल में ही काउंट होगा। मल्टीप्लाई में मैं कितना भी कुछ लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, या डिवाइडर में कितना कुछ लिख दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में कितना भी कुछ लिख देंगे हम कभी फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमको दो ही साइन देखने हैं, प्लस और माइनस। अभी माइनस इसके आगे है पर ये पूरा एक ही है ना, मल्टीप्लाई में हो रहा है ये सारा 3x मल्टीप्लाई 6x प्लस मल्टीप्लाई 3x, तो ये पूरा एक है। इसके आगे अगर मैं 9 लगा दूं तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। और जब तक इसके आगे कुछ नहीं है या इसके बाद प्लस के साइन के बाद भी कुछ नहीं है तो भी ये मोनोमियल में ही काउंट होगा। और एग्जांपल लेते हैं थोड़े हार्ड से, जैसे 3x प्लस 6x या 13x प्लस 6x। अब ये क्या है, मैंने बोला था जब भी प्लस का साइन लगेगा उसके बाद हमें वैल्यू देखनी है ना, तो इसके बाद भी एक वैल्यू है, पर हमने एक चीज नोटिस करी दोनों के पीछे एक्स एक्स है, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 19x, तो ये बन गया क्या, मोनोमियल। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, मोनोमियल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पीछे की जो वेरिएबल है अगर वो सेम है तो वो ऐड हो जाएगा, और जैसे ही वो ऐड हो जाएगा तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, मोनोमियल में। ठीक है, अब बाइनोमियल की बात करते हैं। बाइनोमियल क्या होते हैं, जैसे हमारे मोनोमियल में कोई भी एक डिफरेंट वेरिएबल वाली टर्म ऐड हो जाएगी तो वो हमारा बन जाएगा बाइनोमियल। यहाँ पर एक्स तो है पर ये सिंगल पावर वाला है, एक पावर वाला है, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है 2, तो 1 और 2 ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, अगर जैसे मैं एक्स की वैल्यू 2 रखूं तो यहाँ पे तो 3 × 2 = 6 होगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रखूं तो 2 × 2 = 4, पहले तो वो 4 हो गया फिर × 6 तो 24, तो इसलिए दोनों अलग अलग टर्म है। ठीक, 3x² प्लस 6y² ये भी डिफरेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे वेरिएबल y है, तो ये भी हमारा मोनोमियल में काउंट होगा। नेक्स्ट, अगर मैं ये बोलूँ ये क्या होगा, तो यहाँ पे 3 टर्म लग रही होगी बच्चों को, पर क्या करना, पहले अंदर मल्टीप्लाई करना, तो 2x + 12 तो ये भी क्या हो गया, हमारा बाइनोमियल हो गया। ठीक है, तो एक एग्जांपल, 2 और 3, 1 2। ठीक है, तो बाइनोमियल मोनोमियल का हो गया। नेक्स्ट हमारा बचता है ट्राइनोमियल, तो जैसे ही बाइनोमियल में कोई भी नंबर प्लस या माइनस होगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ट्राइनोमियल। हमको बस ये ध्यान रखना है कि उसके पीछे का जो वेरिएबल है वो डिफरेंट होना चाहिए, जैसे इसके पीछे x, इसके पीछे y, इसके पीछे z, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 1 अज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x² प्लस 4z² प्लस 4y² प्लस 7z², ये भी हमारा ट्राइनोमियल है, और ये सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल है, या इससे ज्यादा जितने भी आगे के होंगे वो सारे के सारे पॉलिनोमियल में काउंट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो होपफुली सबको ये समझ में आ गया, बाइनोमियल ट्राइनोमियल। आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जो पीछे के वेरिएबल हैं अगर वो सेम है तो वो ऐड हो जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, अब मैं ये पूछूंगा ये क्या है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, तो बहुत से बच्चे हो सकता है इसको ट्राइनोमियल बोले, पर हमने क्या देखना है, सबसे पहले क्या इनके पीछे वेरिएबल सेम तो नहीं है, तो मैंने देखा इन दोनों के पीछे जो वेरिएबल है तीनों के पीछे वो सेम है, पर इन दोनों में तो स्क्वायर है वो सिंगल पावर वाला है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 3 और 6 9x² और प्लस 7x, तो ये हमारा क्या बन गया, बाइनोमियल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो डायरेक्टली उनको बस केवल टर्म देख के उनको आप ये मत बोल देना बाइनोमियल है, मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना। ठीक है।
पॉलिनोमियल ये सारे पॉलिनोमियल में काउंट होते हैं, तो इसे मैंने पॉलिनोमियल को एक्सप्लेन नहीं किया। अब बात करते हैं, जैसे एग्जांपल वन में एक्सरसाइज 6.1 का बोला है, इसमें 3a एंड 4b आर डैश टर्म, तो 3a एंड 4b तो ये दोनों तो बिल्कुल अलग अलग टर्म है क्योंकि इनके पीछे के जो वेरिएबल्स है वो डिफरेंट है, तो ये हो जाएगी हमारी अनलाइक टर्म, तो ये होगी हमारी अनलाइक टर्म क्योंकि पीछे के वेरिएबल डिफरेंस है। अगर यहाँ भी a और यहाँ भी a होता तो फिर ये लाइक टर्म हो जाती हमारी। तो एग्जाम में या आगे अगर क्वेश्चन आता है लाइक टर्म या अनलाइक टर्म, तो ध्यान रखना लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के लिए पीछे के वेरिएबल सेम होने चाहिए, उनका सीक्वेंस चाहे कुछ भी हो। सीक्वेंस मतलब जैसे 3ab और इधर 4ba, है ना, सीक्वेंस चाहे कुछ भी हो, b पहले लिखाओ या बाद में लिखाओ तब भी ये काउंट किसमें होगी, लाइक टर्म में होगी। और अगर ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए हो जाए तो ये डिफरेंट हो गई, क्योंकि यहाँ पे ए पर स्क्वायर है और यहाँ पर बी पर स्क्वायर है, तो हमें ये भी याद रखना है कि इनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे ए का स्क्वायर हो रहा है तो उधर भी ए का स्क्वायर हो, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। तो इसको हम फिलअप कर, सेकेंड क्वेश्चन, इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 12x प्लस वाई माइनस 2 डैश इज अ कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट क्या है, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है क्योंकि 12x आ रहा है उसमें, तो x को वेरिएबल हो गया, y ऑलरेडी एक वेरिएबल है, तो माइनस 2 एक क्या हो जाएगा हमारा कॉन्स्टेंट, ठीक है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ए बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैज डैश टर्म, वन टर्म सॉरी टू टर्म, ठीक है, बाइनोमियल में टू टर्म, मोनोमियल में वन टर्म। ए पॉलिनोमियल विद वन ओनली थ्री टर्म इज कॉल्ड ए, एक पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। एक पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होती है उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल। एक पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होती है, बाइनोमियल, तीन टर्म वाला ट्राइनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद ओनली टू टर्म इज कॉल्ड ए, जिसमें दो टर्म होती है, बाइनोमियल, ठीक है। फाइंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, अभी कोफिशिएंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोफिशिएंट एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट, ठीक है, और बहुत से बच्चे गलती करते हैं इसमें। जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, किसके अंदर एक वैल्यू ले लेते हैं हम, इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, केवल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल या कोई मैंने कुछ बोला नहीं है, बस केवल बोला है कोफिशिएंट बताओ एक्स स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के अलावा बाकी जो भी बचा, इसके अलावा बाकी जो भी बचा वही इसका कोफिशिएंट होगा, ठीक है, विद साइन, अगर माइनस का है यहाँ पे तो माइनस के साथ, ठीक है ना। जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाए उसके अलावा जितनी भी वैल्यू बची प्लस माइनस सबको ले देंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ y का कोफिशिएंट बताओ, तो माइनस 16x2z। हाँ एक चीज और, वो पूरा होना मल्टीप्लाई में चाहिए, अगर ये इस टाइप से होता, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 16x2 प्लस y प्लस z, अभी मैंने बोला x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट केवल माइनस 16 होगा फिर, क्योंकि ये जो y और z है इनके बीच में एक सेपरेटर आ गया है क्या, प्लस, ठीक है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आ गया है प्लस, जिससे इसने इनको सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा आपको कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए या डिवाइड का साइन हो तब भी, ठीक है। डिवाइड का साइन के लिए कैसे, जैसे इसी के लिए 16x2 और yz, अभी मैं बोलता हूँ कि x2 का ऑपरेशन बताओ, तो माइनस 16yz, ठीक है, माइनस 16yz, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। माइनस प्लस के अलावा बीच में कोई भी साइन है तो वो पूरा कोफिशिएंट काउंट होगा, ठीक है। कोफिशिएंट में इजी वाले तो आप कर ही दोगे, थोड़ा सा मैं अच्छे लेवल का एक कोफिशिएंट वाला कराऊं, तो जैसे इसमें मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, अब एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, ठीक है, मुझे यहां पे बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को कंबाइन करते हैं। कंबाइन कैसे, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ से, तो जैसे ही मैंने कॉमन लिया उसके बाद में लगाऊंगा ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या क्या बच गया, जैसे ही इधर से इधर कॉमन आ गया तो इधर से बच गया थ्री, फिर ये साइन, और ये कॉमन आ चुका है इसका इधर, तो इधर रह गया 16z। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से समझे कि जो भी हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, जो भी हमने कॉमन लिया उससे हम इनको करते हैं डिवाइड। तो जब मैं एक्स स्क्वायर से 3x स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचिए 3। फिर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 16z। ठीक है, तो जो भी कॉमन लिया है फिर उससे इन टर्म्स को डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं बात करूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा मल्टीप्लाई में आ गया, ये पूरा मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये पूरा ही इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 3 + 16z, 3 + 16z। तो याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है, मैम एग्जाम मतलब वॉलंटियर की बात कर रहा हूँ, स्कूल एग्जाम में वॉलंटियर, तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, कि सेपरेट दिया होगा तो आपको पहले कंबाइन करना है कॉमन लेके, यहाँ पे टू टर्म्स हैं, 3 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है। उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको जब ओलंपियाड लीव होगा तब कराऊंगा, ओलंपियाड शीट के थ्रू। तो अब यहाँ पे बोला है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स, तो नंबर्स तो आप बहुत इजीली लिख दोगे, जैसे पहले वाले में न्यूमेरिकल नंबर क्या दे रहा था, -2, सेकंड वाले में नंबर दे रहा था -16, 0.16। ठीक है, थर्ड वाले में आप देख लेना इसको, बस नंबर नंबर लिखते चले जाना, ये हमारे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है। थर्ड वाला बता देता हूँ, -x² है, तो मैंने बताया किसी के आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई तो हम क्या लिखते हैं, 1 और साइन, साइंस ने माइनस पहले से ही दे रखा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के कुछ नहीं था तो 1 ले लिया हमने, और माइनस का साइन इसमें पहले से दिया हुआ है, और लास्ट में जैसे 5th वाले में y² / 3 है, तो इसमें जो न्यूमेरिकल कोफिशियंट है वो है इसके आगे कुछ नहीं तो 1 और नीचे वाला 3, तो 1/3। ठीक है, समझ में आ गया होगा उसके लिए कोफिशियंट वाला सेक्शन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में बोला है फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिस्ट द टर्म्स विद वेरिएबल एंड टर्म्स दैट आर ओनली कांस्टेंट। तो हमें वेरिएबल वाली टर्म्स लिखनी है और एक कांस्टेंट वाली, दो हमारे सेक्शंस बना दिए गए हैं। हमारे पास इक्वेशन है 12x² - 3y² + 15, तो ये वेरिएबल वाली तो इधर लिख देंगे। ठीक है, ये बना देता हूँ वेरिएबल के लिए और सी बना लेते हैं कॉन्स्टेंट के लिए। तो वेरिएबल हो गए हमारे 12x² - -3x² है ना, ये दो हमारे हो जाएंगे वेरिएबल, क्योंकि इसमें अल्फाबेट आ रही है, तो जिसमें अल्फाबेट आती है वेरिएबल होते हैं, इसमें कोई अल्फाबेट नहीं है तो ये हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको लिस्ट द टर्म्स विद वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, ये आपको कर लेना, सेपरेट कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन डी, पिक आउट द लाइक टर्म्स फ्रॉम ईच ग्रुप। तो ईच ग्रुप से लाइक टर्म्स लिखनी है आपको, लाइक टर्म्स मतलब मैंने बताया था जिनके पीछे वेरिएबल्स सेम होते हैं, जिनके पीछे वेरिएबल्स सेम होते हैं, तो मैं इसका सीधा क्वेश्चन 4 कराता हूँ। 3a³ + 3bc - 4 a³ + 3bc - 3ab³ + 3c। ठीक है, पीछे के वेरिएबल्स हमको लिखने हैं बस, a³ + 3bc a³ + 3bc, तो लाइक टर्म्स की होगी। विद साइन, ठीक है, विद साइन, बस लाइक टर्म्स ही बोली थी इसमें, कर लिया हमने पिक आउट कर लिया इसमें से। नेक्स्ट, अगर ये 3 वाले में बोलता मुझे इसी के क्वेश्चन 3 में, तो 2xz 2y 3xz 3z, तो 2xz
सॉरी 2xt और 3xt ये हमारी लाइक टर्म्स है, डिग्री बतानी है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिग्री वालों को बात नहीं आता है। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री ठीक है, डिग्री या तुमने क्या होता है, डिग्री होती है किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, यहां लिख लेते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन। इसमें मैं तीन टाइप के क्वेश्चन बताता हूं, तीनों डिफरेंट है ठीक है। सबसे पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, थोड़ा सा बेसिक, ये इंटरमीडिएट बताऊंगा फिर इसके एक एडवांस, ठीक है, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। बेसिक में नॉर्मली इक्वेशन सिंपल सी, तो मैं बोलूंगा इसकी डिग्री, तो आप बोलोगे डिग्री इक्वल्स टू सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो यही हमारी होगी डिग्री, ठीक है। इंटरमीडिएट में मैं बोलूंगा इसकी डिग्री कितनी होगी, आप बोलोगे 8 होगी तो गलत हो गई, ठीक है, जैसे आपने 8 बोला तो गलत हो गया, क्यों, मैंने बोला डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, तो देखे तो इसमें हाईएस्ट पावर 8 ही दिख रही है, पर यहां पे हमने एक चीज नोटिस करी, इन दोनों नंबरों के बीच में और इन दोनों नंबरों के बीच में जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, ऑल्दो ये दोनों के दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो इनकी पावर एड तो नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू हमने जब एक्सपोनेंट और पढ़ा था पावर वाला चैप्टर, तो हमने वहां एक चीज पढ़ी थी कि जब बेस सेम होता है तो पावर एड नहीं होती, पर डिग्री वाले केस में थोड़ा सा अलग होता है। डिग्री वाले केस में अगर दो नंबरों की मल्टीप्लाई हो रही है, दो अल्फाबेट्स की, ठीक है, दो अल्फाबेट्स की मल्टीप्लाई हो रही है, तो उनकी जो पावर है चाहे वो अल्फाबेट डिफरेंट क्यों ना हो वो ऐड हो जाती है, तो 3+6 इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई, 9, ठीक है, याद रहेगा। दो डिफरेंट वेरिएबल्स की जब डिग्री की बात करते हैं हम तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो 3+6 9, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 9। अब बात करते हैं एडवांस में, एडवांस में दो क्वेश्चन कराता हूं, सबसे पहला 16x^8y-3 +4x^9z/1, ठीक है, तो यहां पे मैं बात करूं डिग्री की, तो डिग्री 9 सबसे बड़ी पावर है, तो ये भी कंसर्न करते हैं इसको, तो पहले इसकी डिग्री देखिए, मैं तो दोनों की पावर मैंने बताया था ऐड होगी, तो 8+-3 8+-3 है ना, ऐसा होगा ना 8+-3, 8 में से 3 गया कितना बचा 5, इसकी तो 5 निकल के आ गई, अभी इसका और चेक करते हैं, इसका 9+1 और अपॉन में है ये, तो ये अपॉन में जब ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9+1-1 तो कितना बचा 9, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई हमारी 9, समझ में आया है ना, क्योंकि मैंने बताया डिग्री में पावर एड हो जाती है, पर वो एड तभी तो होगी जब वो मल्टीप्लाई में है, जैसे ही वो डिवाइडर पहुंचे तो पावर वो चीज माइनस हो जाएगी है ना, जैसे इसकी पावर कुछ नहीं तो वन, तो वो वन जो है इन दोनों की पावर में से माइनस हो जाएगा, सम में से माइनस, तो 9 और इसका 1 प्लस और इसका 1 माइनस, तो 1 प्लस और ये खत्म, और हमारा आंसर कितना आ गया 9, तो डिग्री कितनी होगी हमारी 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में 27 की पावर 8x+2y की पावर 3, बोलो इसकी डिग्री, तो डिग्री क्या होती है किसी भी इक्वेशन की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन, पर वो देखना किसमें, केवल वेरिएबल में, इसमें देखना है हमको वेरिएबल, ठीक है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन, और वो भी देखनी किसकी है, वेरिएबल की, तो यहाँ पे वेरिएबल को देखना है, नंबर पे चाहे कितनी भी पावर हो, 1000 इवन 1000 ही क्यों ना हो,
वो डिग्री में काउंट नहीं होगा। डिग्री में कौन काउंट होगा? वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। और एक एग्जांपल बेसिक में और करा देते हैं कि जैसे एक सिंपल सी इक्वेशन है, 3 लिखा हुआ है, 3 बोलते डिग्री बताओ, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे मैं कोई भी अल्फाबेट लिखूंगा उसकी पावर 0 हो जाएगी, तो तभी तो 3 में से 3 आएगा, है ना। यहाँ मतलब 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है जो भी अल्फाबेट इसके यहाँ साथ रही होगी या वेरिएबल जो भी इसके साथ होगा उसकी पावर 101% 0 होगी, तभी तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 हो जाती है वो 1 हो जाता है और 3 बन जाता है 3, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। ठीक, तो ये सारे डिग्री वाले क्वेश्चन है, सो बेसिक भी कवर, इंटरमीडिएट भी और एडवांस भी, इसके अलावा कोई नहीं आता। ठीक है, इसके अलावा बस थोड़ा सा ये आ सकता है जैसे एडवांस में कि 3 से पूरे की मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, इसकी डिग्री पूछ लेंगे, तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होगा, हमको बस केवल डिग्री ऐड करनी है, तो 2 और 1 3, इसकी डिग्री तो होगी 3, इसकी डिग्री भी 3। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ले लेते हैं, तो इसकी डिग्री 4, तो इसकी 3 इसकी 4, अब इसकी और मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये 1 था, 1 और 3, और इनकी भी 4 हो जाएगी, और 1 और 4 इनकी 5 हो जाएगी, तो डिग्री क्या आ जाएगा हमारा, इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी? 5। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, हाई नंबर लिख देंगे, अंदर नंबर लिख देंगे, तो पहले तुम अंदर वालों की डिग्री ऐड कर लो। ठीक है, तो इसकी आ गई थी 3, इसकी आ गई थी 4, अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो 1 वाला है उसको हम 3 के साथ ऐड करेंगे तो 4, और ये 1 वाली जो 4 के साथ ऐड हो जाएगी तो 5, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। तो डिग्री वाले क्वेश्चन भी हो गए, ये तो छोटे छोटे से क्वेश्चन आप ही कर लेना, मैंने आपको थोड़ा सा अच्छा करा दिया है, उसको आप देख लेना है छोटे क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.2, डिग्री ऑफ द कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिग्री नहीं होती, ये रहा कांस्टेंट, डिग्री 0। ठीक है, द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन कर लेना खुद से, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द माइनस ए माइनस बी करना है इसमें क्वेश्चन 3 में माइनस ए बी माइनस सी, तो मैंने बताया था माइनस ब्रैकेट के बाहर जब भी होता है तो उसके अंदर इंटू होती है, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ए माइनस बी प्लस सी ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 4 में सम बताना है, तो सम भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बताने की सोच रहा था आपको, शायद मैंने बताया भी, तो मैंने ये बताया आपको कि एड और सब्ट्रैक्ट भी वही नंबर होंगे जिनके पीछे के वेरिएबल सेम होंगे, जब हम बात कर रहे थे मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल में, तो मैंने आपको बताया था ना जिनके पीछे के वेरिएबल सेम होते हैं वही एड होते हैं, यहाँ पी पे 1 क्यू पे 1, यहाँ पे पी पे 2 क्यू पे 2, ऐड नहीं हो सकता, यहाँ पे पी की पावर 1 है ना, यहाँ पे दोनों की पावर 1 है, यहाँ पे दोनों की पावर 2 है, यहाँ पे दोनों की पावर 1 है, तो सारे अलग अलग नंबर है तो ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, देख लेना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आई थिंक ए है। क्वेश्चन बी में, क्वेश्चन बी में बोला है लिस्ट द फैक्टर्स, तो फैक्टर्स बताने के लिए बहुत सिंपल से जैसे ये वाला मैं अपनी तरफ से करा देता हूँ, 24a2b2c। ठीक है, तो 24 के फैक्टर आपको पता है, 2 × 2 × 3 कितना हो गया, 4 × 3 = 12, ठीक है, ये 8 है, तो ये 24 के फैक्टर हो गए, अभी ए के फैक्टर ए स्क्वायर के ए इंटू ए और बी स्क्वायर के बी इंटू। ठीक है, बस आपको फैक्टर करना है, अगर माइनस का साइन होगा तो माइनस का साइन करा देना है आगे, और जिसके फैक्टर नहीं होते जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर बी में मतलब 2 में बोला -7p²q, तो इसका फैक्टर हो जाएगा -7 × p × p × q। ठीक है, क्वेश्चन सी में मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल बताना है, कर लेना आप, इसमें t² का d में t² का कोफिशिएंट बताना है, ये भी आप कर लेना। 6.3,
स्टेट द ट्रू ऑफ फॉल्स, बोला पी फाइव एंड टू बी आर नॉट लाइक टर्म्स, सही है ट्रू है क्योंकि इसमें ए आर है बी आर है. सेवन एक्स स्क्वायर इज द न्यूमेरिकल कोफिशियंट ऑफ वाई, वाई का न्यूमेरिकल कोफिशियंट है, तो केवल वाई वाले को देखना है, तो वाई वाला कहा है वाई सेवन वाई एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो वहां पे वाई का जो कोफिशियंट होगा क्या हो जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर है ना. इसने बोला है क्या सेवन वाई स्क्वायर में ये जो सेवन एक्स स्क्वायर है ये इसका न्यूमेरिकल कोफिशियंट है, नहीं न्यूमेरिकल थोड़ी ना है, न्यूमेरिकल कोफिशियंट अगर मैं बोलूं वाई का तो वो तो केवल सेवन होगा ना, क्योंकि जैसे ही मैंने इसमें एक्स स्क्वायर लगा दी तो एक्स स्क्वायर तो क्या हो गया हमारा वेरिएबल हो गया, न्यूमेरिकल थोड़ी ना रहा, ठीक है. तो न्यूमेरिकल कोफिशियंट केवल क्या है हमारा सेवन, और इसने बोला है कि y का न्यूमेरिकल कोफिशियंट सेवन एक्स स्क्वायर है, तो सेवन एक्स स्क्वायर नहीं है फॉल्स. देयर आर फोर टर्म्स इन द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें क्या फोर टर्म्स है नहीं सिंगल टर्म है, प्लस में कुछ लिखा ही नहीं है, है ना, प्लस माइनस में कुछ लिखा ही नहीं है, प्लस माइनस में जब भी जब तक कुछ नहीं लिखा होता तो वो सिंगल ही टर्म काउंट होता है. एक्स प्लस वाई इज ए बाइनोमियल बट नॉट ए पॉलिनोमियल, एक्स प्लस वाई बाइनोमियल है पर पॉलिनोमियल नहीं है फॉल्स, सारे के सारे मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल सब पॉलिनोमियल होते हैं. टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज ए पॉलिनोमियल बट नॉट ए बाइनोमियल, सही है पॉलिनोमियल है क्योंकि तीन टर्म वाला है, एक्चुअली ट्राइनोमियल तो है और सारे ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल होते हैं, तो ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है, मतलब ये इक्वेशन जो दी है ये पॉलिनोमियल तो है पर इसमें तीन टर्म्स हैं तो इसलिए बाइनोमियल नहीं है, तो ये ट्रू है. राइट एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल बट नॉट मोनोमियल बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, तो इसमें एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, तो मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया है, पॉलिनोमियल का जो मन में आए वो लिख दो, सिक्स ए सिक्स बी सिक्स सी सिक्स डी, ठीक है, ये ना तो मोनोमियल है ना बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, ये इसने बोला था कि ना तो मोनोमियल हो ना बाइनो हो ना ट्राइनो हो, ठीक है, मैचिंग आप कर लेना खुद से. तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 हो जाती है यहाँ पे, अब कल करेंगे एक्सरसाइज 6.3 एंड 6.4, ठीक है.